Khazana, I need your number as soon as possible. मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है. Zara. Saad, तुम इस वक्त क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों? हाँ, मैं नहीं. तुम अचानक से आ गए ना? हाँ, वो लंच पे मीटिंग थी, करीब में थी. मैंने सोचा तुम घर पे अकेली होगी, तुम सभी मुलाकात हो जाएगी. बाय द वे, ये फेसबुक पे तुम मुझे स्टॉक क्यों कर रही हो? बस ऐसे ही, वो भी घर पे नहीं थी तो मैंने सोचा टाइम पास कर लूं. मैं चाय बना के लाती हूँ तुम्हारे लिए. तुम बैठो यहाँ पर. बहुत चाय पी ली, कुछ वक्त मेरे साथ भी तो बैठो. क्या हुआ ज़ारा? तुम इतनी बुझी बुझी क्यों? तो क्या जलती रहो, जल के खाक हो जाओ. जिन्हें अपनी खुशकिस्मती का यकीन नहीं होता ना सारा, अक्सर बहक जाते हैं. कुछ भी शक्कर में कब छोड़ोगे? चलो ठीक है, वादा करता हूं तुमसे, आज के बाद तुम्हारी मेहनत पे शक नहीं करूंगा. मुझे कल का वादा नहीं चाहिए, आज की छोटी सी कोशिश चाहिए. कोशिश तो तुम्हें भी करनी पड़ेगी सर. सर, मुझे दिल टूटने से डर नहीं लगता. मुझे अगर डर लगता है तो मान टूटने से. तो मेरा मानो सर, इसे कभी टूटने मत देना, वरना मैं संभल नहीं पाऊंगा. मुझ पर भरोसा करो, ये रिश्ता अल्लाह ताला ने बनाया है, अल्लाह ताला इसकी हिफाजत करे. स्वीटहार्ट, I'm sorry. I think I have to go. ऐसे कैसे चाय पिए बगैर नहीं जाओगे? अच्छा. लाओ चाय. अभी लेके आए. अब ऐसे यहाँ बैठकर मुझ पे गौर फरमाते रहोगे? चलो जल्दी चलो. तुम गायब होगी, बोले परेशान हो जाएंगे. ड्राइवर को बता चुकी हूँ, तुम चलो. जाफर भाई से बात हुई? कुछ बर्फ पिघली? बर्फ नहीं, उन्होंने अपने आप को जिस हॉल में बंद करके रखा है उसे पिघलाने के लिए जितनी हिम्मत चाहिए मेरे बस की बात नहीं है. हिम्मत मत हारो जाए. ऐसे लोग जब बदलते हैं ना तो मोहब्बत उनके घर की बांदी बन जाती है. और वैसे खामोशी में कभी ना पूछे गए सवालों के अनगिनत जवाब होते हैं. बस और से सुनना चाहिए. तुम्हें तुम्हारे जवाब मिल गए? जब इंसान को अपना आप समझने किसी और से मशवरा करना होता है तो समझ लेना चाहिए कि मोहब्बत की पहली सीढ़ी पर कदम रख दिया. मुझे तुमसे मोहब्बत हो रही है, किस बात ने तुम्हें ये सोचने पर मजबूर किया? ज़ैन, मोहब्बत कोई बीमारी नहीं जिसके अलामात मैं तुम्हें बताऊं. तुमसे मोहब्बत में की हुई बात है मेरे दिल में बेवफाई के जमने में आती है. गाड़ी रोको, रोको गाड़ी रोको. क्यों? मैं तुम्हें क्या कह रही हूँ ज़ैन, तुम गाड़ी रोको. I'm sorry, मैं शायद कुछ ज्यादा ही कह गया. सुनो ज़ैन, तुम्हें अपने माजी में जाकर अपने अधूरे ख्वाबों और वादों से माफी मांगना होगा. वो सारी जिंदगी तुम्हारे ऐसे ही पीछा करते हैं.
और तुम यूं ही खुद से भागते हो। मुझसे मोहब्बत करना तुम्हें बेवफाई इसलिए लगती है क्योंकि तुमने आज तक ज़ारा से पूछे बगैर कोई कदम नहीं लिया और अब तुम उसकी मर्जी के बगैर इतना बड़ा कदम उठाने चाहिए, इसीलिए तुम्हें ये बेवफाई भी लगती है और नाफरमानी। सब तुमने कैसे अंदाजा लगा लिया? जिस इंसान से मोहब्बत करने की ठान ली उसके बारे में इतनी इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए। ऐसे मत देखो सर वरना मुझे खुशफहमी हो जाएगी। तुम्हारे दिल में कमी और आंखों में नमी मेरी। चलो उसे फोन कर। नहीं, पहले मेरी वजह से उसकी जिंदगी में बहुत सी मुसीबतें और तकलीफें आई हैं। अपने सुकून के लिए मैं उसे बेचैन नहीं कर सकता। ऐसी बातें बता देने से तकलीफ कम हो जाती है जैन, वरना हकीकत अपने आप को बहुत बेदर्दी से जाहिर कर। पता नहीं वह फोन उठाएगी भी कि नहीं, और अगर उठा भी लिया तो पता नहीं सार क्या मतलब निकालेगा उसको। ऐसा करते हैं मेरे फोन से कॉल करते, ना ही वो तुम्हारा नंबर देख के इग्नोर करेगी और ना ही कोई शक। हेलो हेलो ज़ारा जी, आप कौन? आपसे कोई बात करना चाहती हूँ। जी हेलो हेलो कौन? ज़ैन। क्यों फोन किया? कौन थी ये लड़की? हेना। हेलो ज़ारा। हाँ शादी कर रहा। कॉन्ग्रेचुलेशन। तुम्हें बुरा नहीं लग रहा? नहीं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? I mean, I have to believe it, no? Eventually यही होता है ज़ैन। जब मिलने की रस्म पूरी नहीं होती तो बिछड़ने की रस्म पूरी करनी पड़ती है। तो जब बिछड़ जाते हैं तो किसी और से शादी कर लेते हैं। नाम नहीं पूछोगी उसका? हिना, तुमने खुद ही बताया। कैसी है? प्यारी है ना? तस्वीर भेजो मुझे। तुम्हें बुरा नहीं लगता? गुस्सा नहीं आ रहा? नहीं। गुस्सा क्यों आएगा? हम जो मोहब्बत के साथ करते हैं मोहब्बत भी हमारे साथ वही करती है। मैंने शादी कर ली थी तो तुम पर भी वाजिब हो गया था कि तुम भी शादी करो। इट्स सो सिंपल ज़ैन। और हाँ, अगर तुमने मुझे इनवाइट करने के लिए फोन किया है तो मैं नहीं आ सकूंगी। मोहब्बत में शिकस्तें फास हो जाए तो अपना जनाजा खुद ही अपने कंधों पर उठाना पड़ता है। कर लो शादी। क्या मतलब?
इनवाइट करने के लिए कॉल नहीं की। इजाजत मांगने के लिए की है। जनाजा तैयार है, तो उठा के कंधे पे रख लो। अभी शादी नहीं हुई, मंगनी हुई है। मंगनी का मतलब हाथ की उस उंगली में अंगूठी पहन लेना जिसकी रख सीधा दिल तक जाती है। तुम दिल में नहीं रहोगी, अगर रही तो इसका मतलब मैं तुम्हें किसी और के साथ शेयर कर रहा हूं। हाँ तो कर लो ना मंगनी, मुझसे क्यों इजाजत मांग रहे हो? जहां बिछड़ने की इतनी रस्में याद कर ली हो तुमने, वहां एक मेरी रस्म ही सही। इजाजत दे दूंगी तो अगली दफा ये रस्म चलेगी कि जिसने पहले शादी कर ली उससे शादी की इजाजत मांगी जाएगी। उससे इजाजत देनी पड़ेगी सर। इजाजत ना फूट फूट के तो तुम बाप के मरने पर भी नहीं रोई थी। पापा। किसका फोन था? फोन किसी का भी नहीं। अगर बहाना समझ नहीं आ रहा तो मैं जरा तुम्हारे माजी में झांकूं। बिला वजह तो कोई कुछ नहीं करता और तुम्हारे पास तो बड़ी खतरनाक वजूहत है। देखो तो कैसे मोटे मोटे आंसू बह रहे। नहीं पापा, घर पे कोई नहीं था ना तो बाबा की याद आ गई थी मुझे। हाँ कमाल है, जब और कोई बहाना ना मिले तो बाप का नाम तो होता है ना इज्जत बचाने के लिए, चाहे वो जिंदा हो या नहीं। तुम इतनी तकलीफ में हो, छुटकारा क्यों नहीं हासिल कर लेते? क्योंकि पप्पू, मेरी इज्जत अब इस घर की इज्जत से जुड़ी है। जिल्लत उठाने से बेहतर है कि मैं तकलीफ उठाऊं। कौन आया था? साद आया था। साद? क्यों? मीटिंग थी, वापसी पर से चक्कर लगा ली। अपनी नौकरी पर ध्यान दे। ये क्या कि चौकीदारी करनी शुरू हो गया? ऊपर जिससे आप चौकीदारी कह रही हैं ना, क्या पता उसकी नजर में ये हिफाजत हो और मेरी नजर में क्या है। केयर के लिए पाल पोस के जवान नहीं किया उसे, मेरे सामने नाराजगी जाहिर करता है और चुप चुप के मिलने आता है। अरे रुको, कहां जा रही हो तुम? और तुम कहां थी? ये कौन सा तरीका है भाई? अब तुम ही इसके तौर तरीके ठीक करो, मेरी कही भी बात तो इसे समझ में नहीं आती। अरे आप लोग तो मुझे डांटने लग गए। ज़ैन ने मुझे फोन करके बुलाया था, उसने बताया नहीं आप लोगों को। क्यों, उसे ऐसी क्या इमरजेंसी पड़ गई? ये बात तो आप उसी से पूछे। क्यों बुलाया था उसने तुम्हें? अच्छा छोड़े ना ये बातें, दिखाएं क्या लाए मेरे लिए। मेरी बात सुनो,
कुछ नहीं लेकर आए। जब तुम दोनों को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है तो हमें क्या जरूरत पड़ी है बाजारों में ख्वार होने की? सच सच बताओ, बात क्या है? एक्चुअली खाला, मैं और जैन सोच रहे थे कि शादी को ज्यादा देर नहीं है, तो जरूरी है कि हम लोग मंगनी के चक्रों में पड़े। अरे ये बैठे बैठाए नए नए ख्यालात कहाँ से आ जाते हैं तुम दोनों के दिमाग में? और तुम दोनों आपस में डिसाइड कर लेते हो, हाँ? यानी बड़ों का ना कोई हक बनता है और ना ही फर्ज। देखिए आप लोग बात को समझने की कोशिश करें, अगर कोई हमारी ख्वाहिश पे पूरा उतर गया है इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि हम उसके साथ जोर जबरदस्ती करें। कौन सी जबरदस्ती कर रहे हैं उसके साथ? जबरदस्ती नहीं, मेरा मतलब था कि शायद अभी जैन ये डिसीजन सबको बताने में कंफर्टेबल नहीं है। इसमें अनकंफर्टेबल होने वाली कौन सी बात है? इस सवाल का जवाब तो यहाँ हम सब जानते हैं। कितना अच्छा होगा ना अगर जैन के कहे बगैर हम उसकी बात समझ सके। उसको लगेगा जैसे वो ये गम अकेले नहीं बर्दाश्त कर रहा बल्कि हम उसके साथ खड़े। बहुत खुश होगा, उसकी खुशी से भरकर हमारे लिए और तो कुछ नहीं है ना। है ना, ये इतनी समझदारी की बातें कहाँ से सीखी हैं तुमने? अब पता नहीं ये मेरी खुशबख्ती है या फिर जैन की कि तुम हमारी फैमिली का हिस्सा बनने जा रही हो। तुम परेशान मत हो, समीना का गुस्सा मैं ठंडा कर दूंगी। देखो समीना यही चाहती है ना कि मंगनी हो, मंगनी जरूर होगी, मगर ऐसे जैसे जैन खुश हो और समीना की ख्वाहिश भी पूरी हो जाए। लेकिन लेकिन जैन है कहाँ? कहाँ हो सकता, वही मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक जिंदगी। दिल उसका चूजे जैसा है, पता नहीं बॉडी बनाकर क्या करेगा वो। हीरोइन मिली है उसे, हीरो बनना चाहता है। ना क्या थी अभी आई। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं? I mean, I have to believe it now. इनवाइट करने के लिए कॉलिंग की, इजाजत मांगने के लिए की है, जनाजा तैयार है, गुरु उठा के कंधे पे रख लो, मंगनी हुई है। मंगनी का मतलब हाथ की उस उंगली में अंगूठी पहन लेना जिसकी रंग सीधा दिल तक जाती है। तुम दिल में नहीं रहोगी, अगर रही तो उसका मतलब मैं तुम्हें किसी और के साथ शेयर कर रहा हूं। जहां बिछड़ने की इतनी रस्में याद कर ली तुमने, वहां एक मेरी रस्म ही सही। इजाजत दे दोगी तो अगली दफा ये रस्म चलेगी कि जिसने पहले शादी कर ली शादी की इजाजत मांगी जाएगी, उससे इजाजत देनी पड़ेगी जरा। अब तुम्हें पता चला जरा, जिस शख्स की सारी जिंदगी अपना हक जताया है उसे किसी और को सौंपना कितना अजीबनाक होता है। जैन भी इसी तकलीफ से गुजरता होगा या शायद इससे भी ज्यादा। वालेकुम सलाम। क्या हुआ अम्मी, ये मेरी शर्ट आप क्यों प्रेस कर रही हैं? नहीं, एक दिन मैं घर से बाहर निकल जाऊं पीछे पता नहीं क्या से क्या ही हो जाता है। अच्छा आप ये इस्त्री तो बंद करें और बताएं मुझे क्या हुआ। तुम आज दोपहर में घर आए थे? जी,
क्यों? तो क्या जरूरत थी नौकरी से भाग भाग के घर आने की? अम्मी मैं लंच पे था, थोड़ी देर के लिए घर आ गया। उसे तो यही लगा होगा ना कि तुम उसकी चौकीदारी के लिए आ रहे हो। नहीं अम्मी, उसे ऐसा कुछ नहीं लगा। अरे उसे लगेगा भी तो तुम्हें थोड़ी बताएगी। वो तो ऐसे फूट फूट के रो रही है कि मेरा दिल दहल गया, खुदा ना खास्ता तुम्हें कुछ हो गया। रो रही थी? और क्या, मैंने बहुत पूछने की कोशिश की पर उसने मुझे कुछ बताया नहीं। वो रोती है तो मेरे भाई की शक्ल मेरी आंखों के सामने आ जाती है। मेरे भाई ने कितने मान से अपनी बेटी हमें दी थी और तुम पता नहीं क्या करके चले गए उसके साथ। बेचारी सिसकियां ले लेकर रो रही है। लेकिन अम्मी मैं तो सिर्फ 15 मिनट के लिए घर आया था और हमने साथ बैठ के चाय भी पी थी। तो फिर पूछो ना जाकर, मुझे तो वो कुछ नहीं बता रही। ऐसे दुखी होके बैठी रहेगी तो वहां आलम की रूह तड़पती रहेगी। अच्छा मैं पूछता हूँ। बल्कि रुको, तुम भी फ्रेश हो जाओ और उसे भी लेकर आओ, हम सब मिलके खाना खाते हैं। मालूम नहीं सुबह से उसने कुछ खाया भी है या नहीं। जी। समीना, क्या बात है समीना, कब से आवाजें दिए जा रही हूँ, तुम यहाँ बैठी हो और मुझे आवाज भी नहीं दे रही। मैं भी तो अपनी बेटी की खुशी की खातिर बार बार तुम्हारे दरवाजे पे दस्तक दे रही हूँ। तुम्हारे बस में सब कुछ है लेकिन तुम फिर भी जवाब नहीं दे रही। ये तुम क्या बच्चों की तरह जिद लेकर बैठ गई हो? बच्चों की तरह तो तुम बिहेव कर रही हो अफशा, जो वो कहे जा रहे हैं आंख बंद करके किए जा रहे हो। तुम्हें जरा भी एहसास है कि मैंने हिना को जवानी से लेकर अब तक कैसे पाला है? मेरे दिल में भी अरमान है अपनी बेटी को लेकर। मैं मानती हूँ कि उसने ऐसे शख्स का इंतखाब किया है जो इस रिश्ते को लेकर श्योर नहीं है, लेकिन तुम तो समझदार हो, हम ऐसी चीज़ें छुप छुप कर क्यों करें? इस तरह तो अफशा लोग मेरी बेटी पर उंगलियाँ उठाएंगे ना। उंगली उठाने वालों के हाथ नहीं तोड़ दूंगी मैं। समीना, हिना तुम्हारी नहीं मेरी भी बेटी है। देखो मंगनी हम करेंगे लेकिन घर घर के लोगों में, उसके बाद जब शादी के कार्ड हम रिश्तेदारों में देंगे ना तो मिठाई भी बिठवा देंगे। और फिर देखना शादी में ऐसी धूमधाम से करूंगी कि तुम्हें जिंदगी भर मुझसे कोई गिला नहीं रहेगा। देखो अफशा, हिना ने मेरे साथ जिंदगी में बहुत मुश्किल वक्त देखा है। खैर किस्मत तो खुदा के हाथ में होती है लेकिन मैं नहीं चाहती कि वो सब कुछ देखते हुए अंधे कुएं में छलांग लगा दे। देखो समीना, अगर जैन के दिल में हिना के लिए कोई फीलिंग्स ना होती तो वो उसे रोकता। तुम उसे थोड़ा वक्त तो दो। मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ कि जितना अच्छा बेटा है ना वो, उससे बढ़कर अच्छा शौहर साबित होगा। अल्लाह करे। अच्छा भाई चलो, अभी बहुत तैयारियां करनी है, बहुत बैठ लिया तुमने अकेले। मैं भी चाय पी लेती हूँ, बैठो। बस बस तुम बैठो, बातें करो, मैं लाती हूँ। वो बातें तो हम लोग कर लेंगे। बैठ जाओ ना, बैठो। आज कुछ हुआ था मेरे जाने के बाद? तुम्हारे जाने के बाद नहीं, कुछ खास नहीं। अम्मी तो बता रही थी कि जब वो आई तो तुम बहुत रो रही थी। रो नहीं रही थी, फूट फूट के रो रही थी। अच्छा वो याद है, कुछ दिन पहले हम लोग बाहर गए थे, तुमने मुझे कांच की चूड़ियाँ दिलवा के दी थी। बस दोपहर में कुछ करने को था ही नहीं, मैंने कहा चूड़ियाँ देख लूँ तो देखो ये कैसा गहरा कट लग गया। ऊपर से घर पे कोई था नहीं तो इसलिए रोना आ गया था बस। ये तो बहुत ताज़ा जख्म है। तो पप्पू मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं ताज़े जख्म पे ही रो रही थी। आप पता नहीं क्यों खामा खा कोई पुराना जख्म तलाश करने की कोशिश कर रही। तब से तुम ये जख्म खुला लेके घूम रही हो, कोई बैंडेज वगैरह नहीं किया? मुझसे खुद बैंडेज नहीं लगाई जाती है। अम्मी वो हमारा फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ पर है? अलमारी के ऊपर रखा है। लेके आओ। खाने के बाद लगा देते हो, वो भी क्या जल्दी थी।
हाँ साहब। हाँ साहब, बड़ी बिजी लग रही हो। नहीं, कमरा ठीक कर रही थी। अच्छा, लगता है कमरे में भी तुम्हारा असर हो गया जो डेली ठीक करना पड़ता है। साथ? सॉरी, मजाक कर रहा था। अच्छा, इम्पोर्टेंट बात है, इसके लिए मैंने तुम्हें फोन किया था। मुझे कुछ दिन के लिए इस्लामाबाद जाना पड़ा है, तो मेरी पैकिंग कर दो। कौन जा रहे हो साथ में? किसके साथ जा रहे हो? शक कर रही हो मुझ पे? नहीं नहीं, पूछ रही हूँ, कोई जा रहा है या अकेले जा रहे हो? नहीं यार, फैजान है और एक दो कॉलीग्स हैं, कुछ दिनों के लिए हम जा रहे हैं, कल सुबह की फ्लाइट है। मुझे रात में देर हो जाएगी, तो तुम ऐसा करना कि मेरी 3-4 दिन की पैकिंग कर देना। अच्छा, साथ वो फैजान ने तुमसे कुछ कहा? क्यों, फैजान ने कुछ कहना था मुझसे? नहीं नहीं नहीं, वो इसलिए कह रही हूँ कि तुम इतना एफिशिएंटली काम करते हो, तो कोई तारीफ या कोई कमेंट इसलिए पूछ रही थी। हाँ, तारीफ तो बहुत करता है, लेकिन है पक्का सेट, 1 महीने में मेरी प्रमोशन नहीं करने वाला, सो चल करो। अच्छा चलो ठीक है, मैं रखती हूँ। कहाँ रखती हो? बड़ी जल्दी है तुम्हें। बात अभी मैंने मुकम्मल की नहीं है तुमसे। बोलो। बात यह है कि पैकिंग सिर्फ मेरी नहीं करनी, बल्कि अपनी भी करनी है। क्या साहब, पागल हो गए तुम? सारा, हम शादी के बाद कहीं भी बाहर नहीं निकले। मैंने कहा अगर मौका मिल रहा है तो might as well avail it। साथ तुम्हें पता नहीं है पुप्पो को इस तरह की बातों पे कितना गुस्सा चढ़ जाता है। उनसे मैं बात कर लूंगा, तुम बस तैयारी करो। लेकिन ज़ारा, मुझे तो लग रहा था तुम बहुत खुश होगी। हाँ मैं खुश तो हूँ, लेकिन अगर मगर कुछ नहीं, तुम पैकिंग करो, ये मेरा प्लान है ना, मैं इसे जानता हूँ कि एग्जीक्यूट कैसे करना। You don't worry about me, okay? I'll see you at night. चल, ऑफिस। इसने मैसेज पढ़ा तक नहीं। एक्टिंग तो बहुत अच्छी कर लेती हो, अब ये कौन सा नया ड्रामा करने वाली हो? फिलहाल तो अभी पैकिंग कर रही हूँ। हाँ वही पूछ रही हूँ, ये क्या नया शोशा है? अपनी नहीं, साथ की पैकिंग कर रही हूँ। हाँ पर क्यों, कहीं जा रहा है वो? मुझे तो उसने नहीं बताया। अब मुझे भी अभी अभी फोन आया था, वो ऑफिस की तरफ से उसको कहीं बाहर जाना पड़ रहा है। तुम्हारी ससुराल तुम्हारे इस कमरे की दहलीज से बाहर भी है। वो काम वाली मैं अपने जहेज में लेकर नहीं आई थी कि सारा काम मैं ही करवाती रहूं। क्या चक्कर आ रहा है? नहीं नहीं, वो सर में दर्द हो रहा है। हाँ तो कमरे में बंद रहोगी तो फिर तो चक्कर, मेरा मतलब है सर में दर्द हो गई। शाबाश बेटा, तुमने तो अपनी माँ की सारी उम्मीदों पर पानी फेरने का बंदोबस्त कर रखा है। अब क्या हो गया? कहाँ तो तुम मुझे घर से बाहर बगैर बताए नहीं जाते थे, और अब तुम शहर से बाहर जा रहे हो। अम्मी, मैं अपने दोस्तों के साथ आउटिंग पे नहीं जा रहा, काम से जा रहा हूँ शहर से बाहर, और आपको फोन करने ही वाला था। किस लिए? बताने के लिए ना, इजाजत लेने के लिए तो नहीं? अम्मी मैं स्कूल का बच्चा तो नहीं हूँ। वाह बेटा, ज़बान की तेजी उसी माँ को दिखा रहे हो जिसने तुम्हें बोलना सिखाया है। अम्मी मैं आपसे घर आके बात करता हूँ, अल्लाह हाफिज़। बुशरा, बुशरा, ये सिटिंग अरेंजमेंट तुम्हें चेंज करने को कहा था, अभी तक किए क्यों नहीं? मैं, ये तो नवाज का काम था ना, नवाज को कहा था। अरे नवाज हिना को लेने गया है, और जितनी तुम जुबान चलाती हो ना, अगर हाथ चलाओ तो सारे काम हो जाए। चलो जाओ, किचन से बुला कर लाओ उसे। जी बुला, जल्दी जाओ। ये सब कुछ मुझे करना पड़ेगा। क्यों डांट रही है बेचारी को? अच्छा, ये जो नौकर होते हैं ना, ये बड़े होशियार होते हैं, जब ये देखते हैं ना कि मालिक अकेला है तो ये भी तंग करने लगते हैं। अच्छा मुझे बता क्या करना है। ये बातें भी बताने की होती हैं ज़ैन, तुम्हें नहीं पता कि आज घर में तकरीब है? कौन सा, बहुत सारे मेहमान आ रहे हैं, हम तो हैं। ज़ैन, कोई तुम्हारी खुशी की खातिर अपनी खुशियों पर कॉम्प्रोमाइज कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम बेहिस होकर उसकी सारी खुशियों को खाक में मिला दो। अच्छा अच्छा, I'm sorry, I'm sorry। ये ना कहाँ है, नजर नहीं आ रही।
सैलून गई है भाई तैयार होने के लिए, लेकिन तुम किस हुलिये में घूम रहे हो? जाओ ना जाकर जल्दी से तैयार हो जाओ भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही हो भाई। आपकी रिकमेंडेशन का सैलून तो बहुत अच्छा है, मगर ये क्या आपने सबसे पहले मुझे तैयार करवा दिया? हाँ तो माहौल ही नहीं बना। भाई इसको सुधारने की जिम्मेदारी तो मैं तुम्हें पहले ही सौंप चुकी हूँ और आज ऑफिशियल भी हो जाएगा। अब तुम जानो और ये जाने, मैं तो जा रही हूँ। बुशरा क्या बुरे हो, दुल्हन से काम कर लो। पहले दुल्हन को चेक तो कर लो। अरे नहीं भाई, अम्मी और खाला कहती हैं कि अगर लड़की लड़के के आसपास फिरे ना तो दुल्हन बन के रूप नहीं आता। अच्छा फिर तो तुम्हें बिल्कुल दुल्हन नहीं बनना चाहिए था आज। हर वक्त मेरे सर पे सवार जो रहती है। ज़ैन? अच्छा जाओ आप तुम अपने कमरे में, यहाँ चिल्लाते हुए तुम बिल्कुल दुल्हन नहीं लग रही, जाओ। कौन कौन जा रहा है साहब? अम्मी मैं हूँ, मेरा बॉस और एक कॉलीग और है। और इस अचानक प्लान की वजह? अम्मी अभी देखिए ऑफिशियल मीटिंग्स जो है वो ऐसी प्लान होती हैं, कोई शादी तो है नहीं कि इतने दिन पहले आपको प्लानिंग करनी पड़े। और वो क्या मियां खाना लग गया है और साथ में अपनी पैकिंग भी कर लो। तुम्हें बड़ी जल्दी है कि वो चला जाए। हाँ चले खाना। हाँ बल्कि मैं चेंज कर लूँ, तुम आओ मेरे कपड़े निकाल दो। मैं चेंज कर। ज़ैन पहनाओ। मैंने प्रपोज किया है तो पहले अंगूठी मैं पहना। इसमें नहीं, दूसरे में पहनो। जिस दिन पूरे दिल से पहनाओगे उस दिन पहनो। इसकी पहुंच सीधा दिल तक होती है। फिल्में कम देखा करो। अल्लाह तुम दोनों को बहुत खुश रखे। बहुत बहुत मुबारक हो, अब तो तुम मेरी संबन बन गई हो। इसका क्या मतलब हुआ, मैं तुमसे डरने लगूंगी या फिर तुम मुझसे डरने लगोगी? नहीं, इसका मतलब है कि हम दोनों को इन दोनों से डरना चाहिए। अरे भाई छोड़ दो ना। अच्छा सेल्फी लो। चल चलती हूँ। सेल्फीज इस वक्त? Are you serious? हाँ मेरी सारी दोस्तें अपनी शादी की फोटोज लगाते हैं, मुझे उनको जलाने का मौका मिला है तो। सुनो तुम्हें मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर तो नहीं है? क्यों? जैसा कि तुम बातें कर रही हो ना इस वक्त, वो सारी समझदारी की बातें लगता है किसी और ने की थी। शट अप, इसको ऑलराउंडर होना है। चल अब पोज बना। ज़ारा पैकिंग नहीं की अभी तक तुमने? तुमने भी तो अम्मी से बात नहीं की अभी तक। कर लूंगा। सुबह 8 बजे की फ्लाइट है और अब रात के 9 बज रहे हैं, कब करोगे? देखो वो ऑलरेडी मेरे जाने पे इतने गुस्से में थी, अगर मैं उन्हें बता देता कि तुम भी जा रही हो तो एकदम से यू नो। साद तुम अभी उनसे बात करोगे या 2 घंटे की तमहीद बांधने के बाद? वो रिएक्ट एक सा करेंगी तो, इसलिए प्लीज। तो तुम भी तो बता सकती थी ना उन्हें, तुमने तो सिर्फ मेरे जाने की बात की उनसे। अच्छा दोपहर में तो कह रहे थे कि जस्ट डोंट वरी आई विल हैंडल अम्मी। बाय द वे ये डर और वहम तुमने मेरे दिल में डाला, वरना मैं तो आती हूँ उन्हें बता देता कि मैं और सारा इस्लामाबाद जा रहे हैं। तुमने अजीब मुझे डरा के रखा हुआ मुझे समझ। तो आप बोल दो। अम्मी वो
एक्चुअली या ये सारी लड़ाई मुझे सुनाने के लिए की जा रही थी। मैं आप गलत समझ रही हैं, मैं ऑफिस से आके आपको बताने ही वाला था। अब मेरी शादी हो गई है, मैं खुद मुख्तार हो गया हूँ, मेरी नौकरी लग गई है, अब तो मेरी जान छोड़ दें, आप तस्बीह लें, अल्लाह अल्लाह करें और अपने कमरे में बंद हो जाएं। मेरा पीछा क्यों करती हैं? अम्मी, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? तो मैं आपको बताने वाला था, वो सहारा ने मेरे जहन में वहम डाल दिया। बिल्कुल ठीक कहा है इसने, शायद इसे मालूम है ना कि इजाजत मांग लेने से बड़ों को जो इज्जत महसूस होती है उसके सदके वो बड़ी से बड़ी बात मान जाते हैं, और जिसे तुम डर और वहम समझ रहे हो ना, वो खानदान में रहने के उसूल और तरीके होते हैं। प्लीज आप मेरी बात सुने, ऐसा कुछ भी नहीं है। मत आना मेरे पीछे, औलाद की फिक्र में मैंने औलाद देने वाले की नमाज कजा की थी ना, उसी की सजा मिली। बैठो, थोड़ा टाइम दो इन्हें, साथ ठीक हो जाएंगे। कोई बात नहीं, फुप्पो भी अपसेट हो जाती है ना। पानी पियो, पानी पियो। तुम ऐसा करो, यहीं पे खाना ले आओ, सब बैठ के खाना खाएंगे, मुझे तो बहुत भूख लगी हुई है। नहीं नहीं, तुम दोनों खा लो, मुझे कोई भूख नहीं है। अम्मी, अपने गुस्से की वजह से देखे आपने अपना कितना नुकसान करवा लिया। अब तो आपको ये भी पता चल गया होगा कि अल्लाह ताला अपने बंदे से गुस्से की हालत में मिलना पसंद नहीं करता। हाँ हाँ, ये इल्जाम मुझे पे डाल दो, मैं जानबूझ के पिसली हूँ ना वजू करते हुए। तुम जाओ, जाके खाना ले। अरे भाई जाओ ना, मेरे सहारे लगकर बैठने की जरूरत नहीं है। जाओ, अब सुबह तुम्हारी फ्लाइट है, फिर नौकरी पर कोई ऊंच नीच होगी तो उसका इल्जाम भी मुझे पे डालोगे। अम्मी, मैं लानत भेजता हूँ ऐसी नौकरी में। क्यों, अच्छी खासी नौकरी पे लानत भेजने की क्या जरूरत है? क्या करूँ मैं, बताया मुझे। गुने मत बना करो, सही वक्त पर सही बात बताया करो। अच्छा, सॉरी, माफ कर दे मुझे। आप भी तो एकदम इतना गुस्सा कर लेती है ना, आप देखें कितना नुकसान करवा लिया। अच्छा मुझे बताएं, आप जा सकता हूँ कि नहीं? भाई हल्की सी मोह चाहिए, कोई खुदा ना खास्ता फालिज तो नहीं हो गया ना। जाओ तुम दोनों आराम से। तो देखिए ना, आप आराम से नहीं रहेंगी तो वहां कैसे आराम से रहेंगे, आपको यहाँ आराम कौन देगा फिर? बिल्कुल ठीक कह रही है, मुझसे खाक काम होगा वहां पर। हाँ तो साथ बस तुम चले जाओ, मैं यहाँ फुप्पो के पास रह लूंगी। अरे नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, वो होती है ना नफीसा शाम तक तो मेरे पास। अम्मी, आपको नफीसा के भरोसे पे तो छोड़ के जा नहीं सकते अब हम। हाँ तो इसीलिए तो कह रही हूँ कि तुम चले जाओ, तुम्हारा काम भी हो जाएगा और यहाँ पुप्पो अकेली भी नहीं रहेंगी। पुप्पो ये पानी लाऊं आपके लिए?